मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर एबीपी न्यूज देश भर में कर रहा है सबसे बड़ी पड़ताल। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के 30 से ज्यादा शहरों में हमने लोगों की राय जानी। आज हम बिहार के छपरा में हैं। अब तक 13,500 किलोमीटर की यात्रा। संपूर्ण क्रांति के अगुवा जयप्रकाश नारायण और भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की नगरी से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और यहां पर छपरा की जनता मौजूद है। सबसे पहले जोरदार तालियां खुद के लिए। 4 दिनों की बात, मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और इन 4 सालों पर देश के अलग अलग शहरों में मोदी सरकार के वादों, योजनाओं और सपनों की लगातार हम तहकीकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने देश को 100 स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। यह सपना कितना पूरा हुआ है, हकीकत या फिर फसाना, इसी की बड़ी पड़ताल एबीपी न्यूज देखी है और इसकी शुरुआत हमने की मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। देखिए, स्मार्ट बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता हाथ में आते ही देश को ऐसे ही 100 स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया। चुने गए इन शहरों को 5 साल में स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य है। मोदी का सपना है कि 3 राउंड में चुने गए 60 शहर 2021 तक स्मार्ट सिटी बन जाएं। इसलिए हमने देश के 10 बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी की सबसे बड़ी पड़ताल की, ये जानने की कोशिश की कि क्या मोदी का सपना सच हो रहा है या फिर बस सपना ही बना हुआ है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक काशी को पीएम मोदी ने जापान के क्योटो की तरह विकसित करने का लक्ष्य किया था। साल 2016 में काशी को स्मार्ट सिटी बनाने की लिस्ट में शामिल किया गया। कई दशकों में बनारस की धरती पर इतने बड़े किसी प्रकल्प की योजना साकार हुई हो, और जिस प्रकल्प का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले हुए इस हादसे की तस्वीरों ने काशी को क्योटो बनाए जाने के दावे को कटघरे में खड़ा कर दिया। वाराणसी को स्मार्ट सिटी की रफ्तार देने के लिए बन रहे इस फ्लाईओवर ने 15 से ज्यादा लोगों की जिंदगी की रफ्तार ही रोक दी। एबीपी न्यूज की टीम हादसे की खबर का हर अपडेट आपको देकर वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के सपने की पड़ताल करने आगे निकली। लेकिन मोदी का यह सपना काशी में सच्चाई से कोसों दूर दिखा। स्टेशन के बाहर गंदगी और जमीन खुदी हुई मिली। शहर की सड़कों में गड्ढे और जगह जगह खुदा। वाराणसी की अहम समस्या जाम भी बरकरार ही दिखी। वाराणसी को जब स्मार्ट सिटी बनाने की लिस्ट में शामिल किया गया तो प्रशासन ने 15 बड़े काम तय किए थे, लेकिन 2.5 साल का वक्त गुजर गया है और काम कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ता दिख रहा है। इस समय हम नगर निगम के कैंपस में मौजूद हैं, जहां 140 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी कन्वेंशन सेंटर यानी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होना था, लेकिन अभी हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमीन की सिर्फ खुदाई तक हुई है, सर्वे का काम हुआ है, इसका टेंडर तक अभी तक नहीं हो पाया है। नगर निगम ने 15 योजनाएं बनाई थी स्मार्ट सिटी के तहत वाराणसी में काम करने के लिए, जिसमें सबसे अहम योजना एक थी ये जो गोदौलिया चौराहा है, यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का 12 करोड़ का इसका लगभग बजट रखा गया था, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू इस पर नहीं हो पाया है। लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। बताया जा रहा अधिकारियों की तरफ से एक बार टेंडर कराया गया था, लेकिन उसमें जो बिड में आए हुए लोग थे उन्होंने बहुत कम पैसा डाल दिया था, जिसके चलते ये काम शुरू नहीं हो पाया, दोबारा टेंडर कराया गया है। तो स्मार्ट सिटी की ओर 15 कदम बढ़ाने का प्लान बना, लेकिन काम हुआ कुछ नहीं। सड़कें सुंदर बननी थी लेकिन खुदी पड़ी है। पार्कों का सौंदर्यकरण होना था लेकिन सिर्फ खुदाईकरण का काम दिखा। 50,000 घरों तक पीने का पानी पहुंचाना था, 10% काम ही पूरा हो पाया। टेंडर जो जापान में हुआ है और वो जापान में 7 अप्रैल को टेंडर निकाला गया है और उसकी 7 जून तक डेट तय है,
7 जून के बाद वो टेंडर खुलेगा, उसके बाद जो भी कंपनी आएगी उस पर काम शुरू करेगी। तो काम होने के लिए पैसा दिया गया है, वक्त तो है ही, लेकिन स्मार्ट सिटी का सपना सिर्फ सरकारी कागजों की स्याही में चिपका है। काम कुछ जगह शुरू तो हुआ, लेकिन उसको रफ्तार देने की जरूरत है। साफ स्वच्छ शहर, चमकते चौराहे, सीसीटीवी से शहर पर नजर, जनता के लिए सार्वजनिक सुविधाएं। एक पल को ये तस्वीरें देखकर लगता है कि ये विदेश का कोई शहर है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो सूरत लिखा दिखाई देगा। सूरत जो टेक्सटाइल और हीरो के कारोबार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे स्मार्ट सिटी बनने के लिए मोदी के सपने को सूरत पंख लगा रहा है। सूरत की सीरत बदलने के लिए अब तक यहाँ 400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं। जल्द ही केंद्र सरकार से बाकी प्रोजेक्ट शुरू होने के लिए 900 करोड़ और दिए जाएंगे। पीएम आवास योजना और हाइड्रोलिक्स प्रोजेक्ट में भी सूरत अव्वल दिखा। सिटी में सूरत महानगर पालिका के अलग अलग जो प्रोजेक्ट लिया है, 59 जितना प्रोजेक्ट है, इसमें से 40 जितना प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है। 2 साल पहले सूरत को स्मार्ट सिटी वाले शहरों की लिस्ट में शुमार किया गया था। इस काम पर रैंकिंग जारी हुई तो सूरत तेजी से आगे बढ़ता दिखा। स्मार्ट सिटी की पड़ताल के लिए हम पहुंचे यूपी के कानपुर, जो अब दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कानपुर में कूड़े के प्रबंधन, पार्किंग की व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े जो काम होने थे वो अभी शुरू भी नहीं हुए हैं। कानपुर शहर को दूसरे चरण में स्मार्ट सिटी योजना में जोड़ा गया था, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये सरसैया घाट है जहाँ पर मॉडर्न कूड़ाघर बनाया जाना था। इस तरीके से 6 कूड़ाघर पूरे कानपुर शहर में बनाए जाने थे, लेकिन अभी तक किसी की शुरुआत भी नहीं हो पाई। जो अधिकारी हैं उनका कहना है इसका टेंडर कर दिया गया है। हमने योगी राज के आगरा में भी पड़ताल की। आगरा शहर को 214 करोड़ रुपए मिले हैं। आगरा में प्रोजेक्ट तो शुरू हुए, लेकिन पूरा होने का इंतजार बाकी है। स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट में आगरा का नाम आने के बाद आगरा के लोगों के मन में आज जगी थी कि उन्हें गंदगी और अव्यवस्था से राहत मिलेगी। आज 2 साल बीत गए हैं और ये आगरा के यमुना का तट है। आप देख सकते हैं किस तरह यमुना के तट पर गंदगी फैली है। 2 सालों में कोई नया काम कुछ नहीं, सफाई का क्या इंतजाम कुछ नहीं हुआ, बिजली के खंभे का क्या इंतजाम कुछ नहीं। इस साल के चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के भोपाल में हमारी पड़ताल में सामने आया कि शहर को सजाने का काम चल रहा है, कई प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। वहीं इंदौर में भी ऐसी ही तस्वीर है, लेकिन इंदौर में अतिक्रमण हटाने के लिए जो तोड़फोड़ हुई उससे लोग परेशान दिखे। अभी तो कुछ नहीं बनता दिख रहा है, टूटता ही दिख रहा है सब। अभी तक तो फिलहाल सब गड्ढे ही गड्ढे और मकान टूटे हुए दिख रहा है मुझे। जयपुर में भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत बाजारों को चमकाया जाना है और दीवारों और पुरानी इमारतों को रंगों से पोता जा रहा है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में काम थोड़ा आगे बढ़ता दिखा। तो अक्टूबर 2019 तक इन बाजारों का सौंदर्यन का काम पूरा होना है, लेकिन बजाय इसके स्मार्ट सिटी में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को ही पूरा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के थाने को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाना है। स्मार्ट सिटी के लिए कई प्रोजेक्ट अभी शुरू हुए हैं, लेकिन कुछ की रफ्तार ढीली है, जैसे शहर के इस चौराहे का सौंदर्यकरण। दरअसल 3 हाथ नाका जो ठाणे का है, वहाँ पर जो फुटपाथ है उसकी क्या हालत है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत जो ये स्थान है इसको मेन जगह दी गई है कि ठाणे शहर का जब विकास होगा, जब स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा तो यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आपको टूटा फूटा दिख रहा होगा। B
बिहार के छपरा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, लेकिन बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। तमिलनाडु में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 11 लोगों की मौत हो गई है। 11 लोगों की मौत की खबर तमिलनाडु से सामने आ रही है। आपको बता दें कि ज्यादातर मौत पुलिस की गोली से बताई जा रही है। प्रदर्शनकारी तमिलनाडु में वेदांता के स्टारलाइट के कॉपर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय पुलिस की ओर से फायरिंग की गई। प्लांट को बड़ा करने का विरोध हो रहा है और प्रदूषण से वहां पर लोग परेशान हैं। तमिलनाडु में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई है और सीधा आरोप पुलिस वालों के ऊपर लग रहा है कि पुलिस ने जो गोलियां चलाई हैं, ज्यादातर लोगों की मौत उसी वजह से हुई है। और इन सब के बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने सीधे सीधे राज्य सरकार पर हमला बोला है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद की संज्ञा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से दी गई है। तमिलनाडु में पुलिस फायरिंग में 11 लोगों की मौत, ये राज्य प्रायोजित आतंकवाद है, ये कहा है कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने। चुनावों के ठीक पहले मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से चर्च की चिट्ठी सामने आई है। दिल्ली में चर्च के आर्क बिशप ने इशारों इशारों में चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि देश का लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है और इसी वजह से 2019 में ईसाइयों को नई सरकार के लिए वोट करना चाहिए। दिल्ली में चर्च के आर्क बिशप ने चिट्ठी लिखकर लोकतंत्र को खतरे में बताया और 2019 में नई सरकार के लिए वोट देने की अपील की चिट्ठी लिखी और सियासी हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने चर्च के इस रवैये पर करारा पलटवार किया है। हिंदू को भी इस पर सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसा धर्म जो कहे कि हम नहीं आने देंगे। भारत एक ऐसा दुनिया का देश है जहाँ पर की जाति पंथ अथवा मजहब के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है और ये भेदभाव करने की किसी को इजाजत भी नहीं दी जा सकती। वे चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने जिससे उनकी धर्मांतरण का उद्योग फले फूले। सवाल उठने के बाद चर्च सफाई दे रहा है कि उन्होंने किसी एक सरकार के खिलाफ चिट्ठी नहीं लिखी। आपको बता दें, इसी साल नागालैंड चुनाव में चर्च ने कहा था कि सांप्रदायिक पार्टी को वोट ना दें। पिछले साल गुजरात चुनाव से पहले भी चर्च ने लोकतंत्र को खतरा बताया था। पिछले साल गोवा चुनाव से पहले भी चर्च ने लोगों को ऐसी ही सलाह दी थी। अब दिल्ली के चर्च ने 2019 के चुनाव से पहले चिट्ठी जारी कर नए विवाद की शुरुआत कर दी है। कैराना लोकसभा उपचुनाव की सीट पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे और भाषण में ही अखिलेश यादव को दे दिया है चैलेंज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हिम्मत नहीं कि वे यहां आकर के चुनाव प्रचार में भाग ले सकें। निर्दोष लोगों की हत्या से इनके हाथ सने हुए हैं। यूपी के कैराना में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकने पहुंचे सीएम योगी ने इस तरह लोगों को मुजफ्फरनगर के दंगों की याद दिलाई और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को कैराना आने की चुनौती दे डाली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हिम्मत नहीं कि वे यहां आकर के चुनाव प्रचार में भाग ले सकें। मुजफ्फरनगर में साल 2013 में मुस्लिम और जाटों के बीच हिंसा हुई थी। अब जाट बहुल इलाके कैराना में लोकसभा का उपचुनाव है। कैराना चुनाव में जाट वोट कितना अहम है, इसकी वानगी इन तस्वीरों में देखिए। एक ओर जाट नेता महेंद्र सिंह टिकैत की याद में मंत्र पढ़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी आरएलडी समेत तमाम पार्टियों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सियासत का ये अनोखा मंच पश्चिमी यूपी के सिसोली में दिखा। कैराना उपचुनाव से पहले महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि देने के बहाने हर पार्टी यहाँ जाट वोट साधने में जुटी थी। शाम के 7:30 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। छपरा से मोदी के 4 सालों की आप बड़ी पड़ताल देख रहे हैं और तालियों की एक गड़गड़ाहट बताने के लिए काफी है कि इस वक्त भारी तादाद में यहाँ के लोगों की हमारे साथ मौजूदगी है। लेकिन जो खास मेहमान मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। आपको बता दें, राजीव प्रताप रूढ़ी ने 2014 में यहाँ पर राबड़ी देवी को हराया था, लेकिन इस बार क्या खास होने जा रहा है, फिलहाल इस पर करेंगे चर्चा। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की ओर से एमएलसी सच्चिदानंद राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस पार्टी की ओर से एमएलए और पूर्व मंत्री विजय शंकर दुबे मौजूद हैं, बहुत स्वागत है विजय शंकर दुबे जी आपका भी। इसके अलावा आरजेडी से हमारे साथ जितेंद्र कुमार राय, मढ़ौरा से
आप जेडीयू के विधायक मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। और जेडीयू की ओर से एमएलसी सारण के बीरेंद्र नारायण यादव हमारे साथ मौजूद हैं। बीरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि इन चार सालों में सारण के लिए, छपरा के लिए क्या किया गया, क्योंकि 2014 के चुनाव में आपको ये भी बताते चले कि उस समय जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार तो मौसम का मिजाज बदल चुका है। जेडीयू बीजेपी साथ में है तो आरजेडी पुरजोर कोशिश कर रही है इनके गढ़ में सेंध लगाने की। लेकिन ये बताइए, मोदी जी के चार साल, छपरा की जनता बेहाल, ये किया है आप लोगों ने यहाँ के लिए? छपरा की जनता बेहाल है ये पता नहीं आपने कहाँ से ये पाया? लोग बता रहे हैं। नहीं, अगर आप चुन चुन के लोगों के साथ मिलेंगे तो जो डिसरप्टिव स्वभाव के लोग हैं वो आपको यही फीडबैक देंगे। नहीं, लोग ये कह रहे हैं, देखिए आपके जो सांसद मंत्री बने थे उन्होंने अच्छा काम तो किया नहीं, मोदी जी ने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, अब यहाँ के लोगों में भी नाराजगी उस बात को लेकर देखी जा रही है कि यहाँ नहीं रहेंगे तो यही हाल होगा। आपने कहा कि छपरा के लोग बदहाल, अगर सारी सड़कें अच्छी, हर घर में बिजली, हर घर में गैस का कनेक्शन, हर घर में रोजगार, मुद्रा लोन मिल रहा है, आखिर छपरा की जनता बदहाल हुई तो कैसे हुई? एक भी ऐसी सड़क नहीं है। एक समय हमारे बहुत बड़े नेता ने यहाँ छपरा बिहार के जो छपरा से सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि पटना की सड़कों को हेमा मालिनी की गांव की छपरा। नाम लीजिए ना लालू यादव जी का, नाम से आप नाम लेकर बताइए, नाम लेकर नाम सुनिए। वो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि छपरा की सड़कें क्या कहते हैं, हेमा गांधी के गाल से अच्छी हो गई है। देखिए ये कह रहे हैं कि छपरा की सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। आप लोग बेवजह आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, बहुत सारे काम करवाए हैं इन्होंने यहाँ पर छपरा में। छपरा में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। चार बरस तक मोदी सरकार की जुमलेबाजी में निकल गई, देश के लिए कुछ नहीं किया। चार बरस तक केवल नया नारा गढ़ना, स्लोगन देना, आश्वासन देना। लेकिन ये बताइए, वो बात सही है, लेकिन आप लोग भी तो यहाँ पर पिछलग्गू पार्टी है ना, आरजेडी के पीछे खड़े हुए हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? हम लोग पिछलग्गू पार्टी नहीं है मैडम, ये हमारा नेचुरल अलायंस है। लालू जी के साथ पिछले समय भी नेचुरल अलायंस ये बता रहे हैं। ठीक है, सब कुछ प्राकृतिक है, लेकिन ये बताइए जरा, आरजेडी तो हार गई थी, ठीक है, जबकि ये एक वक्त पर आपका गढ़ रहा था, 2019 में भी मुश्किल होने वाली है। फिर आप ये कह रहे हैं बहुत काम, बीजेपी के लिए बहुत काम किया है। हम लोग भारी मत से जीतने जा रहे हैं। और रही बात अभी जीतेंगे कैसे जीतेंगे, क्या किया है? पता लग रहा है आपको कि हम लोग जीतेंगे। और रही बात छपरा के सड़कों की चर्चा कर रहे थे, तो छपरा हाजीपुर रोड तो कई वर्षों से बन रहा है और यहाँ का आम आवाम रोज जाम से परेशान है, अब कहने की जरूरत है। और इस छपरा में जब हमारे उप मुख्यमंत्री तत्कालीन तेजस्वी प्रसाद बने तो 22 सड़कों को देने का काम इस जिले को किया है। हाँ, और इस वित्तीय वर्ष में एक सड़क भी अभी तक नहीं मिला है। मतलब जेडीयू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव ने जो कामकाज किए थे उसके आधार पर आप वोट मांग रहे हैं, चले ठीक है, लेकिन ये बताइए, ये देखिए तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने यहाँ पर बहुत कुछ दिया, नीतीश कुमार ने कुछ दिया नहीं, फिर जीतेंगे कैसे यहाँ से आप लोग? नीतीश कुमार ने दुनिया की जो विश्व विरासत की बैठक हुई थी तुर्की में, नालंदा को हिंदुस्तान के तीन ही चीजें विश्व विरासत की सूची में शामिल की गई। नालंदा की बात या तो छपरा की बात हो रही है ना? मैं बता रहा हूँ ना आपको, सांस्कृतिक रूप से छपरा को भी पढ़ाने का काम नीतीश जी ने बड़े पैमाने पर किया है, उसका शैक्षणिक विकास किया है, विश्वविद्यालयों की व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब जेडीयू बीजेपी 2014 में अलग लड़ी थी तो यहाँ पर जेडीयू का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा था। लोगों के पास चलते हैं सवाल के लिए, बताइए किससे है सर सवाल? देखिए मैडम, यहाँ के सांसद जो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, उनकी इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उन्होंने चार साल में कितना काम किया है, आप देख सकती हैं ये कितनी लंबी लिस्ट है। ये राजीव प्रताप रूढ़ी है जिन्होंने चार साल में काम किया है, मतलब ये लिस्ट। और सुनिए मैडम, जिस तरह से देश में मोदी जी का विकल्प नहीं है, उसी तरह छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी का कोई विकल्प नहीं है, वो कह रहे हैं रूढ़ी जी का कोई विकल्प नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, राजीव प्रताप रूढ़ी ने ब्लाइंड स्कूल खुलवाया, चरवाहा विद्यालय नहीं खुलवाया, यही उनका दोष है। राजीव खड़े हो जाइए, किससे है सवाल बताइए, कौन अच्छा काम कर रहा है? जीरो, जितना मोदी कर रहा है लोग,
लेकिन जीरो पर है। अच्छा कौन कर रहा है? क्या घोषणा किए थे बीजेपी के लोग, ईमान से बोले कि क्या घोषणा किए थे, क्या उस पर कार्रवाई हुआ आपको बता देते हैं। कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं, काम नहीं वो करे, कोई काम नहीं, आराम से आराम से आराम से कोई काम नहीं। मैडम हम बताना चाहता हूँ बीजेपी के लोग एक बता दे कि जितना दिन राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ के सामने रहे हैं उतना दिन लालू प्रसाद रहे हैं, एक कोई साबित कर दे कि राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ पर सुई के कारखाना बैठाए हो तो हम लोग देखते रहेंगे। लेकिन लालू जी ने पहिया कारखाना, चक्का कारखाना, इंजन कारखाना, माइक छोड़कर पीछे 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 आगे वालों, ऐसे आगे आओगे तो सवाल नहीं, आगे जो आएगा सवाल नहीं, फिर मैं पीछे जाऊंगी नहीं आगे आएंगे तो सवाल नहीं। पता है किसे? राजीव प्रताप रूढ़ी ने छपरा को 192 करोड़ रोड बनाने का काम किया। आज लालू यादव के सरकार में सब रोड खराब हो गया था, घोटाला का सरकार है, मरावड़ा का चार चार फैक्ट्रियां बंद हो गई है। कुछ और लोग आराम से आराम से आराम से आराम से। मेरा यहाँ जो भी सरकार, मेरा एक दो सवाल है, सरकार के दो प्रतिनिधि कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय एक एकलौता विश्वविद्यालय है और 3 साल से बीए पार्ट वन का एग्जाम नहीं हुआ और उनका करियर बर्बाद हो रहा है, क्या इस पर? समझ गए एक सेकंड, हमको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ये बीजेपी और जेडीयू का यहाँ पर शासन है, आप लोगों को क्या जरा भी शर्म आती है? एक क्लास में एक बच्चा जो पढ़ने में तेज है वो 3-3 साल से रुका हुआ है, पास नहीं होगा तो वो कैसे जाएगा रोजगार के लिए आगे? सवाल तो सरकारी दल के लोगों से पूछे जो डबल इंजन की। माफ कीजिएगा, बताइए सर, बताइए बीजेपी से मेरा सवाल था, माफ कीजिएगा। देखिए ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, इस बच्चे ने जो कहा कि परीक्षाएं नहीं हुई हैं पार्ट वन, 3 साल सर, 3 साल से एक ही क्लास में बच्चा पढ़ रहा है। 20 साल हो रही है, कुछ अनियमितताएं पहले के लोगों ने, कौन सी अनियमितताएं हैं एक ही क्लास में पढ़ने वाला तेज बच्चा, ब्रिलियंट बच्चा अगर एक ही क्लास में 3-3 साल रहेगा तो कितने लापरवाह हैं आप लोग स्टूडेंट्स को लेकर। बिल्कुल नहीं, विधान परिषद में मैंने इस प्रश्न को खड़ा किया था, मुख्यमंत्री ने धरना दीजिए ना अपनी सरकार के खिलाफ, धरना दीजिए ना युवाओं के भविष्य का सवाल दीजिएगा। 1 घंटे में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, 1 घंटे में, और सारी परीक्षाएं हो रही हैं। सारी परीक्षाएं हो रही है क्या? हाथ उठाइए, हो रही है क्या? मना कर रहे हैं लोग, मना कर, परीक्षाएं हो रही है। विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री ने 1 घंटे में निर्णय, इतने साल से आपकी सरकारें यहाँ पर परीक्षा क्यों नहीं हो रही थी, इसका जवाब कौन देगा बताइए? हो रही थी, अब हो रही है, ये क्या बात? फिर आप, फिर जनता आपको हटा देगी, फिर आप कहेंगे क्यों हटाया? इतने साल से यहाँ के स्टूडेंट परेशान थे, अब सारी व्यवस्था ठीक हो गई है और परीक्षाएं सब हो रही हैं। ये कह रहे हैं सारी व्यवस्थाएं ठीक करनी है, आप लोगों की गलती का खामियाजा, यानी कि आरजेडी ने जो गड्ढा खोदा था उसको भरने में टाइम लग रहा है। गलत बात है, 3 साल में परीक्षा अगर नहीं हुआ है तो इसमें हम लोग कहाँ दोषी हैं? ये पूरा पूरी सरकार, पूरी तरह ये डबल इंजन की सरकार है, जो जनता अपेक्षा किया था वो पूरी तरह फेल है, हर मामले में फेल है, वो बेरोजगारी का मामला हो या किसान का मामला हो या 15 लाख की बात हो या काला धन की, हर मोर्चे पर सरकार फेल हो रही है क्या? हर मोर्चे पर, लेकिन युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा सबसे बड़ा था कि 3-3 साल से यहाँ पर परीक्षा नहीं हो रही है, बताइए कैसे? जयप्रकाश विश्वविद्यालय में लगातार कई वर्ष से सत्र लेट थी, लेकिन सरकार पिछले आरजेडी की थी, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस मुद्दा को नहीं उठा रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ठीक है, आराम से पीछे रहिए, गलत बात है, इधर दूसरी तरफ से आराम से पीछे रहिए। मैडम एक सवाल, आरजेडी के यहाँ माननीय विधायक जितेंद्र जी हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा। अरे यार सुन लो, चलो हल्ला करने से नहीं होगा, कुछ भी कीजिए। हाँ सवाल पूछ रहे हैं कि खैरा से माननीय विधायक जी, यहाँ खैरा से मढ़ौरा लगातार 10 साल से माननीय विधायक जी है, वहाँ इतनी बुरी तरह थी वह सरकार, अभी माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी के पास से। सवाल के साथ में जाओगे, आराम से एक माइक में आराम से, धक्का मुक्की नहीं, विधायक है कहाँ है, पीछे चलिए, गलत बात है, पीछे, बिल्कुल कोई बेकाबू नहीं होगा, पीछे चलिए, आराम से अपनी बात रखेंगे, आराम से बताइए, आप पीछे चलिए मैम, पूछ रही हूँ, गलत बात है सर, बताइए सर क्या बोल रहे हैं? 5 साल जो बच्चों का करियर बर्बाद हुआ है, इसका नीतीश सरकार जिम्मेवार है। जवाब देना पड़ेगा, बताइए किस, एक मिनट, नहीं चुप नहीं होंगे लोग। मैं महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के राजीव प्रताप रूढ़ी ने छपरा भी किए हैं, आज बाल विकास को, योजना को, कन्या योजना
तारीख है। आज जेडी भ्रष्टाचार से सबसे पहले हम लोग मुक्त हुए हैं। ये देखिए महिलाओं का अपमान करने वाले हर जेडी है। एक एक करके आराम से आप थोड़ा साइड हो जाइए, कैमरे के सामने नहीं कोई आएगा, किनारे रहिए। एक एक करके बताइए। मैम यूनिवर्सिटी का जो लेट हुआ होने का कारण ये था कि उस समय आरजेडी की सरकार थी बिहार में और लालू यादव ने घोटालेबाजी करके यूनिवर्सिटी के रोक दिया था। आराम से आगे हो गया, आगे से आप लोग हट जाइए। कैमरे के आगे से हट जाइए। आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर। आराम से अपनी बात रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आराम से सबके पास आएंगे, आराम से। हमारे मोदी जी हमेशा रहते हैं रेस फरेस, अब बार बार क्या जाते हैं विदेश, विदेश जाने से दिक्कत है। मोदी जी विदेश आए हो, आराम से, कोई नहीं, छोड़ दीजिए, वो सब मैनेज होगा। बताइए किससे है सवाल? मेरा सवाल डायरेक्ट मोदी जी से है। मोदी जी बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बना देंगे, लेकिन उनका हाल ऐसा हो गया है जो आजकल एयरसेल के सिम की कंपनी हो गई है, लगता है कि डिजिटल। आराम से आगे कैमरे के आगे। गलत बात है। देखिए आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो डिबेट शो कैसे होगा? पीछे चलिए, बहुत गलत बात है। धक्का देना एक दूसरे को गलत बात है। अपनी अपनी जगह पर रहिए। सर आप लोग यहाँ पर रैली में नहीं आए हैं, डिबेट शो में आए हैं। थोड़ा सा कम से कम छपरा का अच्छा मान बढ़े देश में, ऐसा परिचय दीजिए। चलिए आपके नेताओं के पास में आ जाती हूँ, कांग्रेस के पास। सबसे पहले सर ये बताइए, अगर इसी तरह से यूपी में, बिहार में, बाकी जगहों पर कांग्रेस पीछे पीछे रहेगी, फिर राहुल गांधी का 2019 में प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे पूरा होगा? देखिए कांग्रेस पीछे पीछे नहीं है, कांग्रेस समूचे सेकुलर पार्टियों को एकत्रित करके देश में आगे नेतृत्व करने वाली है। एक तरफ तो यहाँ पर मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है, यानी कि काफी ज्यादा गर्म है और राजनीति का पारा भी चढ़ा हुआ है। देखिए लोग अपने अपनी पार्टियों और नेताओं के समर्थन में नारेबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है थोड़ी देर आप लोग शांत रहेंगे। फिलहाल एक बार फिर से मैं आ जाती हूँ। सर ये बताइए, आप राहुल गांधी ने कह दिया है 2019 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर मुश्किल तो होगी ना नरेंद्र मोदी के लिए? पहले आप लोग पूछते थे कौन होगा चेहरा, लीजिए चेहरा भी सामने आ गया। पहले उनमें सहमति बन गई है क्या? उन्होंने अपने आप डिक्लेयर कर दिया है, तो क्या वो जो दलों का दलदल है सबने स्वीकार कर लिया है? जब स्वीकार कर लेगा तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आरजेडी तो तैयार है ना राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? लोग महागठबंधन के नेतृत्व में 2019 में बंपर सीट जीतने जा रहे हैं, उसमें ऐसा कहा ये भी जा रहा है कि जेडीयू के मन में थोड़ा मोदी जी को लेकर भी दर्द हो रहा है, ऐसा तो नहीं है आगे फिर से लालू जी से हाथ मिलाने का? देखिए जेडीयू के सामने देश और प्रशासनिक बेहतरी का प्रश्न है। जो बढ़िया प्रशासन देगा उसके साथ जेडीयू रहेगा, काम करेगा। नीतीश जी दुनिया के अच्छे प्रशासकों में हैं और मुख्यमंत्री में हैं। लेकिन नीतीश जी ने गलती की थी क्या आरजेडी के साथ जाकर? की थी ना? देखिए बिजली का प्रश्न है, पानी का प्रश्न है, इन सब चीजों पर सफलता हमें मिली है। हम राजनीति में तो प्रयोग चलते रहते हैं। अभी भी सॉफ्ट हैं, आगे के लिए राह देख रहे हैं जेडीयू वाले भी। चले ठीक है, आइए आराम से हल्ला नहीं, नीचे बताए किससे? मेरा सवाल मोदी जी से है। इंडिया में बिहार का इतना पिछड़ा है कि उसको विशेष राज्य से लेके सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? और उनकी पार्टी आज डिजिटल इंडिया के कदम पे निकली है, डिजिटल इंडिया बनाने के निकली है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका हाल एयरसेल की कंपनी की तरफ से उनकी पार्टी भी बंद हो जाए। ठीक है, किससे है सवाल? मैडम जब 72 रुपए पेट्रोल था तो लोग महंगाई को डाइन बता रहे थे बीजेपी वाले, आज 82 रुपए पेट्रोल भी गया, आज महंगाई को बीजेपी वाले क्या बताएंगे? पेट्रोल डीजल को लेकर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आराम से, कोई मंच पर नहीं आएगा। नीचे। आराम से। यहाँ का विधानसभा का जो प्रत्याशी जीते हुए हैं भाजपा का, वो कहाँ है? गायब रहते हैं, आप कह रहे हैं गायब रहते हैं। माइक नहीं पकड़ेंगे माइक। मैडम भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आपका शो हो, इसलिए उनकी कमियां उजागर हो जाएगी। एक्चुअली में कोई नहीं। बताइए सवाल क्या है? सवाल पीएचडी क्वालिफाई हुए 1 साल हो गए, अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, यहाँ की सत्र 5 साल लंबित है। तो बड़ा मुद्दा है यहाँ पर शिक्षा में जो लेट करते थे, और ये वो बड़ा मुद्दा है। बताइए 4 साल में हमारे युवाओं के लिए बीजेपी सरकार, हमारी मोदी सरकार क्या की है? युवाओं के लिए नहीं की है। ठीक है। मैडम हम लोग राजीव प्रताप रूडी के काज काम से बहुत ज्यादा खुश हैं, इससे पहले वाली सरकार से बहुत ज्यादा दुख थे। कुछ और लोगों को आराम से, माइक नहीं पकड़ेगा, आराम से।
एक क्वेश्चन मेरा है, जितना विरोध अगर सरकार को हो रहा है उतना अगर जनता को सब पार्टी मिलकर नरेंद्र मोदी का इतना योजना है, नरेंद्र मोदी का इतना योजना है कि अगर सब आदमी मिलकर पहुंचाए तो देश तरक्की में पहुंच जाएगा। एक एक करके बताए आराम से, माइक पर आराम से, आराम मैडम देखिए सुनिए, बालू बालू जो है मेरे द्वारा, सुनिए बालू बालू मेरे द्वारा 28 मार्च को अप्लाई किया गया, बालू का सरकारी कीमत 1100 रुपए का एक फीट का बालू मैं 7000 में मार्केट से ले रहा हूँ, मेरा छपरेल घर फंस गया। मैं परेशानी बालू को लेकर परेशानी है, मैं चाहूंगी बाकी लोग उतर जाएं, मन से उतर जाइए, मन से दूर, मन से दूर, मन से दूर, मन से दूर, दूर 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 दूर, आराम से आराम से आराम से, माइक नहीं आराम से माइक पर। लालू यादव से हम यही पूछना चाह रहे हैं कि छपरा का 4 फैक्ट्रिया लालू जी के राजन में बंद हो गया, इसका जवाब लालू जी दें। मोदी जी आए तो महावरा फैक्ट्री खुला, रूड़ी जी महावरा फैक्ट्री खुले, लालू जी जवाब दें, आज जवाब दें, इसका जवाब क्या है? भोजपुरी का क्या सवाल है? मैडम रविशंकर बाबू ने जब यहाँ चुनाव का प्रचार करने आए थे तो 2014 में कहा था कि भोजपुरी के लोग आप वोट दें, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल की जाएगी। मोदी के 4 साल हो गए, अभी तक भोजपुरी क्यों नहीं शामिल हुई 8वीं? आराम से माइक नहीं बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, जो केंद्र की सरकार है या बिहार की सरकार है, आप हाथ उठवा के देखिए 4 साल में कितने नौजवान बेरोजगार हैं। आज ये वो लड़का भटक रहे हैं, मोदी सरकार ने पहुंचे थे और माइक नहीं पकड़ो आराम से, आप लोग धक्का देके एक दूसरे को गिरा रहे हो, हम दूसरे तरफ चलते हैं, उधर चलते आप उतर जाइए आराम से, माइक नहीं पकड़ेगा। मैडम मैं एबीपी न्यूज से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज के दिनों में भी अगर चुनाव हो जाए तो आरजेडी का सरकार बनना है। कौन जीतेगा? जीतेगा लालू यादव जी, यादव कौन जी? एक सवाल है कि ये हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त सारा। मेरा सवाल माननीय सत्यानंद राय जी से है, वो बोले हैं कि रोजगार कितना दिए 4 साल में वो बता दें। 4 सालों की पड़ताल लगातार कर रहे हैं छपरा से, आखिरी हमारा सवाल आखिरी सेगमेंट का, 2019 कैसे जीतेगी सर जेडीयू? जेडीयू जीतेगी, कैसे जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, वो अपने विकास का कार्य जो उसने पूरे बिहार में किया है, बिजली का, शैक्षणिक विश्वविद्यालयों को खोला है और पूरे बिहार की प्रतिष्ठा भारत के मानचित्र पर, विदेश के मानचित्र पर उसने स्थापित किया है, इसलिए जीतेगी। देखिए पहले तो आप लोग इनके साथ थे, फिर भी आपका हमने देखा था कि किस तरह से हालात हो गए, आप ये बताइए 2019 कैसे जीतेंगे आप? देखिए छपरा में तो हम लोग निश्चित रूप से जीत रहे हैं, इसलिए कि यहाँ कांग्रेस के साथ, हाँ लालू जी यहाँ यूनिवर्सिटी देने का काम किया, मरहौरा में रेल फैक्ट्री, बेला में रेल फैक्ट्री, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारी योजना यहाँ पर। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि लोग ये बताएं कि छपरा में एक काम जो गिनाने लायक, ये कह रहे हैं कोई काम ही नहीं किया है तो जीतेंगे कैसे 2019 जीतेंगे, जिनको गैस का सिलेंडर मिला उनके दम पर, जिनके घर तक बिजली पहुंची है उनके दम पर, जिनके घर तक सड़क पहुंची है उनके दम तक, जिनके बच्चों को अच्छा पढ़ाई करने का मौका मिला उसके दम पर। देखिए अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन 2019 कौन और कैसे जीतेगा ये अपने आप पे बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस से हमारे सवाल नहीं हो पाए सर, माफी चाहूंगी, हमारे पास वक्त इतना ही है। आज छपरा से मोदी के 4 साल की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश के बलिया से, जरूर जुड़िएगा शाम 7 बजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।